मस्कुमेलन आइसक्रीम बनके तैयार हो गई, तो खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए काफ़ी क्रीमी बनी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं इसे निकाल करके। देखिए तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, तो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा हमें इसे। ये काफ़ी क्रीमी बनी हुई है। तो दोस्तों काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम ये खरबूजा है, इससे हम आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये दो खरबूजे लिए हैं, तो ये 500 ग्राम खरबूजा है। इसको हम पहले काट के और छील लेंगे अच्छे से, तो इसके बीज हम निकाल देंगे। खरबूजा हमने छील करके और कट कर लिए, तो हम इसको मिक्सी में अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम पहले खरबूजे का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये हमने इसमें 1 लीटर दूध लिया है, तो ये फुल क्रीम दूध है। तो इसको हम बॉयल कर रहे हैं, तो जब तक ये आधा नहीं हो जा रहा तब तक हमें इसे बॉयल कर लेना है। दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, अब हम इसमें चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी हम 4 चम्मच के करीब डाल रहे हैं। तो आप ये खरबूजे पे डिपेंड करता है कि खरबूजा कितना मीठा है, अगर बहुत मीठा है तो चीनी आप कम कर सकती हैं। तो चीनी की मात्रा जैसे भी कम ज़्यादा करनी है आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। इसको हम ढक करके तब इसको हम कि इसके ऊपर कोई जाली वगैरह ढक देंगे। इसको अच्छे से हम अभी गाढ़ा होने देंगे। और 2 चम्मच हमने एक कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसको हम थोड़ा सा दूध डाल करके इसको अच्छे से हम घोल लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ न पड़ने पाएँ। इसको हमने डायरेक्ट नहीं डाले, पहले हम इसको अच्छे से घोल लेंगे। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें हमने जो कस्टर्ड पाउडर घोला है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के और हम अच्छे से इसको चला लेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल के बना सकती हैं, उससे ही बहुत अच्छा आता है। पर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिए येल्लो। ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको हम लगातार चला रहे हैं, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा होने लगा, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको अच्छे तरह से हम ठंडा कर लेंगे पहले, क्योंकि अभी जब ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए जो कस्टर्ड हमने बनाया था अच्छे से ठंडा हो गया, तो इसके अंदर हमने जो खरबूजे का पेस्ट तैयार किया इसको डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से ही मिक्स हो गया टाइप का हमने एक ये कंटेनर ले लिया डिब्बा, तो इसमें हम उसको जमा देंगे। देखिए काफ़ी क्रीमी बनी हुई है। हमने अच्छे से सेट कर दिया है, इसमें हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दे रहे हैं कलरफुल हल्की सी। आप चाहो तो इसमें पिस्ता या जो भी पसंद हो आप वो डाल सकती हैं। हमने बहुत थोड़ी सी डाली है, देखने में भी अच्छा लगेगा खाने में भी। इसको हम कवर करके और रात भर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। ये आइसक्रीम जम के तैयार हो गई, तो इसको हम निकाल रहे हैं। देखिए तो इसको हम निकाल लेंगे इससे, ये काफ़ी क्रीमी बनी हुई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मस्कमेलन आइसक्रीम बनके तैयार हो गई, तो खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए काफ़ी क्रीमी बनी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं इसे निकाल करके। देखिए तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, तो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत टाइम नहीं लगा हमें इसे।